हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। अभी देखिए, एक्चुअली क्या है कि हाँ, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि बैंक्स प्राइवेटाइज होने वाले हैं, गवर्नमेंट में वैकेंसीज भी अब कमी आ रही है। अभी आप देख लीजिए, IBPS PO में 1167 वैकेंसीज आई थी। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी बढ़ जाएगी? 2500 हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। तो मेन चीज़ ये है कि वैकेंसीज तो कम हो रही है, कि 2012 में तो 22,000 वैकेंसीज आती थी, अब देखिए कितनी कम वैकेंसीज आ रही हैं, 1,000 2,000 ऐसे आ रही है। तो क्या हमें अपना कोई अल्टरनेटिव रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्या हम दूसरी तरफ भी देखें? देखिए, जब क्राइसिस का टाइम होता है तो ज्यादा ऑप्शंस रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? देखिए, हमें समझदार बनना है, ठीक है? अगर हम ज्यादा ऑप्शंस रखेंगे अपने पास, तो हो सकता है कि भाई कल को हम लाइफ में आगे अच्छा कर ले जाएं, ठीक है? वरना क्या पता हम किसी एक चीज के चक्कर में पड़ के उसी में अपना टाइम वेस्ट कर दें, ठीक है? क्योंकि देखिए, मार्केट कॉम्पिटेटिव है, हर साल लैक्स में ग्रेजुएट्स आता है मार्केट में, ठीक है? 60 लाख, 50 लाख इस तरह से ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपसे कहूंगा कि जैसे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो आप लोग ये एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम क्या है, ये एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होता है ना, देखिए होता है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली किसी IBPS PO का एग्जाम पास करके बैंक में जाते हैं, बट लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप वो चीज नहीं पढ़ के जाते हैं जो बैंक के एग्जाम बैंक में काम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्राइवेट बैंक चला रहा हूँ और मुझे बोला जाए कि एक IBPS PO के टॉपर को हायर करें कि एक CA को हायर करें, देखो नॉर्मली लॉजिकली किसको हायर करना चाहिए? एक CA को हायर करना चाहिए, क्योंकि एक CA बहुत ज्यादा काम कर पाएगा भैया। वो टैक्स फाइल कर देगा, वो तो पेपर वर्क सारा वही कर देगा, मतलब समझ रहे हो? जबकि दूसरा जो बंदा आएगा उसे मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है? ये तो अभी तक का, ये तो अब देखो प्राइवेट बैंक्स इसी तरह से काम कर रहे। तो प्राइवेट बैंक्स ने एक चीज सोची कि हमारे पास जो काम करने आ रहा है वो ग्रेजुएट है, लेकिन उसको कोई नॉलेज नहीं है बैंक की। तो प्राइवेट बैंक क्या करते हैं, प्राइवेट बैंक ने, जैसे एक्सिस बैंक ने अपना एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम निकाला। इसका ये ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ग्रेजुएट आए उसको ऑलरेडी बैंक की नॉलेज हो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग दो कॉलेज के साथ टाई अप किया है, MIT नोएडा और मणिपाल, जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एक साल की, और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। हम एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं क्या है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले प्रोग्राम फीचर्स के बारे में जानते हैं। प्रोग्राम फीचर्स क्या क्या है, देखिए इसमें क्या है कि आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 3.29 लाख रुपीज। अब यहाँ पे बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे कि सर हम इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 3.29 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बात सुनिएगा। ये आपको लोन के फॉर्मेट में मिल जाएगा, एक्सिस बैंक ही आपको लोन दे देगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है 6 मंथ्स, क्योंकि 3.29 लाख बैंक को किसको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कॉलेज को, ठीक है? इसलिए अब सिक्स, यहाँ पर आपके जो मतलब टोटल जो ड्यूरेशन है इसका वो ये है 6 मंथ्स, यहाँ पर क्या होगा, लर्निंग होगी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि क्लासरूम सेशन होंगे, इंटर्नशिप होगी 3 महीने की एक्सिस बैंक में, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है? 3 महीने। अर्निंग में अगर हम लोग बात करें तो आपको 5,000 रुपीज मिलेंगे जब शुरुआत में 6 मंथ्स, जब आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी। तो जब आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगी तो आपको 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन जब आप जॉब करना शुरू कर दोगे ट्रेनिंग ऑन ट्रेनिंग, ठीक है, अगले 3 महीने, तो अगले 3 महीने आपको कितना मिलेगा, अगले 3 महीने आपको मिलेगा 12,000 रुपये स्टाइपेंड, ठीक है? और इसके बाद अब आपको क्या कहते हैं, एक मतलब जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे सक्सेसफुल कंप्लीशन में, और उसके बाद आप जब एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर बन जाओगे जो कि असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड होती है, तो आपकी सैलरी होगी 4.48 लाख। तो आपने जो लोन लिया था वो आप अपनी सैलरी से पे कर दोगे। जॉब होना देखो ज्यादा जरूरी है, मैं बस बता रहा हूँ, डिसीजन लेना तुम्हारा काम है, ठीक है? कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर में वही चीज है, कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, बेसिक बैंकिंग है, इलेक्टिव पेपर्स है, ट्रेड फाइनेंस है, पर्सनालिटी एनहांसमेंट है, ये सब जरूरी है। ये जो आपको सिखाया जाएगा ये बैंकिंग के बिजनेस के लिए जरूरी है, डिजिटल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, सेल्स, बेसिक्स ऑफ लेंडिंग, ठीक है? तो इनका देखो मोटो क्या है, इनका मोटो ये कि जब हमारे पास बच्चा काम करने आए, ग्रेजुएट काम करने आए, तो उसको ऑलरेडी ये चीजें आती हो, ठीक है? मींस देखो, अब तुम लॉजिकली सोचो, मेरे पास कोई काम करने आ रहा है और उसको पता ही नहीं कि बैंक काम कैसे करता है,
तो यार मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा, वो पब्लिक से डील ही नहीं कर पाएगा। सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ा सपोज एक कॉर्पोरेट बंदा आ गया, उसने कहा मुझे लोन चाहिए, अब आपको लोन देना ही नहीं आता है, ठीक है, तो हमको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, और ट्रेनिंग में जब मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मैं 1 साल की अच्छी से पढ़ाई करके उसको अपने पास रखूँ, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम्स में तो है ये कि आपको बैंक जो आपसे वो चाहते हैं बैंक वाले, तो वो तो बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि लर्निंग आउटकम्स में तो जो आपने पढ़ा होगा उसी से आपसे रिलेटेड लर्निंग आउटकम्स होगी। अब एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम चुनना क्यों चाहिए? अगर आप एमबीए प्रोग्राम करते तो भी आपको इतनी फीस देनी है और उसके बाद जॉब लगे ना लगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने ये यंग बैंकर्स प्रोग्राम किया तो आपकी जॉब तो लगनी लगनी है, ठीक है, और जो आप लोन ले रखे हो वो लोन आप वापस भी कर दोगे, और स्टाइपेंड भी आपको मिलता है, मतलब आपको 5,000 शुरुआत के 6 महीने में और 12,000 लास्ट के 3 महीने में, तो आपको आराम से मिलेगा। तो वो कितना हो जाएगा, 5, 6 और 30 एंड 12, 36, मतलब 66,000 तो आप 1 साल में निकाल ही लोगे, ठीक है, जो भी आपने लोन लिया उसको बड़े आराम से आप पे करते रहोगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे भी देखो बैंक प्राइवेट, सपोज आप किसी बैंक में ज्वाइन करो और वो बैंक प्राइवेटाइज है, अब आप क्या करोगे, आप हो तो वही ना घूम करके, तो इससे बढ़िया पहले ही किसी बड़े बैंक प्राइवेटाइज प्राइवेट बैंक के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। सो जॉब रोल के बारे में बात कर लेते हैं, जॉब रोल क्या है, जॉब रोल वही है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर है, जिसमें आपको हाँ इसके चक्कर में आप छोड़ सकते हो, ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्रॉस सेलिंग आपको करना जरूरी है, आपके पास टारगेट्स हो सकते हैं, आपके पास आपको सेल करना जरूरी होगा। एक चीज मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर कहने लगते हैं सर सेल्स काम ये हो जाएगा, सेल्स का काम नहीं हो पाएगा, बट एक चीज मुझे ध्यान से सुन के बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें जो बिना सेल्स के चलती है? देखो अगर हम लोग गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट छोड़ दें तो हर जगह सेल्स है, बिना सेल्स के काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सेल नहीं होगा तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो वो चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और हमारे पास एक्सिस बैंक के ब्रांड से क्लाइंट आएगा, ऐसे थोड़ी कि हमें अपने आप से अपने चाचा को कॉल करना है कि हाँ तुम खरीद लो कोई सामान, एक्सिस बैंक के इतने वो हैं कस्टमर्स हैं, इतने वो हैं, तो वही खुद आपके पास आएंगे, ठीक है, उसके आप चिंता मत करिए। चलिए ये सारी चीजें आप है, ये axisbank.mycat.com पे जाके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। करियर प्रोग्रेशन के बारे में अगर बात करें तो करियर प्रोग्रेशन भी अच्छा है, देखो एक्सिस बैंक के, एक्सिस बैंक में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको तुरंत ग्रोथ मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता ही दिया है, 21 से 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, मतलब 50% आपके ओवरऑल होने चाहिए और 50% फाइनल ईयर में भी होने चाहिए, ठीक है। जो ग्रेजुएशन में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके परसेंटेज उनके पास होनी चाहिए। ये सब तो फॉर्म फिल करते वक्त आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता ही दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, ठीक है, क्या बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये होगा कि आपका सबसे पहले वो विच इज एम्ड एट सिलेक्टिंग एंड्स हु आर मोस्ट लाइक टू सक्सीड एट वेरियस ब्रांच बैंकिंग रोल्स एंड ऑफर्ड बाय द बैंक, ठीक है। तो मेडिकल फिर आपका होगा, उसके बाद से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। चलिए द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम सिलेक्शन नीड टू बी ऑथेंटिक, हाँ ठीक है, वो सब तो पता ही है हमको। चलिए ओके, तो अच्छा फॉर्म है, आप भर सकते हैं, आप इसको आराम से भरिए, और फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म यहाँ जाके भर देना, ठीक है, अप्लाई फॉर ABYB प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तो मेरा ऑटो सेव है इसलिए वो दिखा रहा है वहाँ पर, ओके थैंक यू। तो कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से प्रोग्राम में, प्लीज एक बार जरूर देख लेना भाई। देखो बहुत सारे लोग, क्योंकि इससे पहले जब मैं स्टूडेंट पढ़ा रहा था तो एक लड़की थी, वो भी उसने ICICI का प्रोग्राम किया था, नाउ शी इज अर्निंग वेरी वेल, ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आज के टाइम में जॉब होना जरूरी है इंस्टेड ऑफ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। ओके थैंक यू।